ई गार्डन इंडिया के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय रेलवे का सामान्य ज्ञान का 50 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। हमारे वीडियो को लाइक करें, सोशल मीडिया में शेयर करें और अपना कमेंट कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? अपना आंसर जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। आंसर उत्तर प्रदेश। पूर्वी उत्तर भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है? आंसर मेघालय। भारतीय रेलवे में सबसे बड़ी आय का माध्यम क्या है? आंसर माल भाड़ा। सबसे लंबी रेल सुरंग का रिकॉर्ड कोंकण रेलवे को जाता है, इसकी लंबाई कितनी है? आंसर 6.5 किलोमीटर, यानी 6.5 किलोमीटर। भारत में किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे अधिक है? आंसर उत्तर रेलवे। भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? आंसर 3 प्रकार के। रेल पथ के ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है? आंसर 1.676 मीटर। रेल दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? आंसर 16 अप्रैल को। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी? आंसर 1925 ईस्वी को। विद्युत से चलने वाली प्रथम रेलगाड़ी कौन सी है? आंसर डेक्कन क्वीन। भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है? आंसर चौथा। भारत में भूमिगत मेट्रो रेलवे का शुभारंभ कब और कहां हुआ था? आंसर 1984 से 85 ईस्वी को कोलकाता में। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? आंसर विवेक एक्सप्रेस। भारत में प्रथम विद्युत इंजन का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? आंसर 1971 ईस्वी को। रेल टिकट पर आरक्षण और ट्रेनों के आवागमन की सूचना देने वाला हेल्पलाइन नंबर क्या है? आंसर 139। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? आंसर पेरम्बूर
चेन्नई में रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ है? आंसर हुसैनपुर कपूरथला में। रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी? 1988 ईस्वी को। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? आंसर समझौता वो थार एक्सप्रेस। भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? आंसर शताब्दी एक्सप्रेस। भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? आंसर खड़गपुर, जो कि पश्चिम बंगाल में है। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? आंसर मार्च 1905 ईस्वी में। मेट्रोप्रूस उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? आंसर इंजीनियर श्रीधरन। भारत में सर्वप्रथम रेल का शुभारंभ किसने किया था? आंसर लॉर्ड डलहौजी ने। रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की? आंसर 2004 ईस्वी में। भारतीय रेल कितने क्षेत्रों जोन में बांटी गई है? आंसर 17 जोन में। भारत की पहली रेल ने मुंबई और ठाणे के मध्य कितनी दूरी तय की थी? आंसर 34 किलोमीटर। भारत में प्रथम रेल कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। भारतीय रेल की सबसे लंबी रेल यात्रा डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच विवेक एक्सप्रेस कितने किलोमीटर की है? आंसर 4,286 किलोमीटर। वृंदावन एक्सप्रेस किन स्थानों के मध्य चलती है? आंसर चेन्नई और बेंगलुरु। पूर्वी रेलवे के बंटवारे के बाद हाजीपुर के आंचलिक मुख्यालय का नाम क्या है? आंसर पूर्व मध्य रेलवे। देश की सबसे लंबी दूरी के रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? आंसर 4,256 किलोमीटर।
सोन नदी पर बना देश में सबसे लंबा रेल पुल का नाम क्या है? आंसर नेहरू सेतु। व्हील्स एंड एक्सल प्लांट कहाँ स्थित है? आंसर बेंगलुरु में। कुल केंद्रीय कर्मचारियों का कितना प्रतिशत भाग रेलवे में कार्यरत है? आंसर 40%। कोयले से चलने वाला देश का सबसे पुराना इंजन कौन सा है? आंसर फेरी क्वीन। भारतीय रेलवे में कुल कितना डिवीजन है? आंसर 67। भारत में कर्मचारियों की भर्ती के लिए कितने रेलवे भर्ती बोर्ड हैं? आंसर 19। भारतीय रेलवे का सबसे लंबा रेलवे यार्ड कहां पर है? आंसर मुगलसराय में। राजधानी एक्सप्रेस सर्वप्रथम नई दिल्ली और हावड़ा के बीच चली कब चली थी? आंसर 1 मार्च 1969 को। भारतीय रेलवे ने सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण व्यवस्था कब और कहां शुरू की थी? आंसर 15 नवंबर 1985 को नई दिल्ली में। भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम क्षेत्रीय रेलों में दक्षिण रेलवे का गठन कब हुआ था? आंसर 14 अप्रैल 1951 को। भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम स्वचालित सिग्नल प्रणाली मध्य रेलवे द्वारा कब शुरू की गई थी? आंसर 1928 ईस्वी में। रेलवे सुरक्षा के लिए रेलवे सुरक्षा बल RPF का गठन कब किया गया था? आंसर 1882 ईस्वी में। रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? आंसर लाल बहादुर शास्त्री। देश की पहली गरीब रथ नामक वातानुकूलित ट्रेन अमृतसर और सहरसा के बीच कब चलाई गई थी? आंसर 4 अक्टूबर 2006 को। भारत में ट्राम रेलवे कहां पर चलती है?
आंसर कोलकाता में। भारतीय रेलवे द्वारा डाक सेवा कब प्रारंभ की गई थी? आंसर 1907 ईस्वी में। कौन से रेलवे को यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया है? आंसर दार्जिलिंग हिमालय रेलवे को। आखिरी क्वेश्चन, दिल्ली में प्रथम चरण के मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ कहाँ से कहाँ तक किया गया था? आंसर 30,000 से सादरा के बीच। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो में कमेंट करें।